होगी। फिल्म पुष्पा कितने अवार्ड्स जीत चुकी हैं रश्मिका मंदाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज रिलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्शन कर रहे हैं सुकुमार। इसे प्रोड्यूस किया है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जो मैत्री मूवी मेकर्स के एसोसिएशन में मुट्टम सेट्टी मीडिया से हैं। अब द फिल्म स्टार अलू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना, जबकि जगपति बाबू भी हैं, प्रकाश राज, धनंजय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को आधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं, एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है, ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा, जो कि 8 अप्रैल को होगा। वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका, जो कि प्रमुख महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी, वह हर बार सेट से तस्वीर साझा करती रही हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा के दो शूटिंग स्केड्यूल्स पिछले महीने रैप अप हुए थे और निर्माताओं ने ट्विटर पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था, टीम पुष्पा ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान रामचंद्रपन और मेरदी मुली के एजेंसी क्षेत्रों में दो बिजी स्केड्यूल्स रैप अप किए हैं। अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिसके बिना हमारी शूटिंग पूरी नहीं हो पाती। थैंक यू रंपा चौधवारम और मेरदी मुली, अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशन मंजू, अद्दावालू, मीकू जोहालू और सुल्तान। ये सारी फिल्में 2021 में ही रिलीज होने वाली हैं। दोस्तों, अवार्ड्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेशनल क्रश यानी कि रश्मिका मंदाना ने अभी तक 5 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि हैं बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल फॉर किरिक पार्टी, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अनजानी पुत्र, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर गीता गोविंदा और क्रिटिक्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर गीता गोविंदा। वहीं उन्हें 9 नॉमिनेशंस में भी लिया गया था। रश्मिका मंदाना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती हैं जो कि महंगी एक्ट्रेसेस के बारे में होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगी फिल्म में अपनी क्यूटनेस और हॉटनेस के साथ, और अल्लू अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलविदा।